हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भावना जायसवाल रेसिपी। आज आपके लिए मैं आम की लौंजी लेकर आई हूं, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आम की लौंजी। गुड़ लिया है पाव, ये साबुत लाल मिर्च है, सौंफ, जीरा पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, सफ़ेद नमक और ये काला नमक। कैरी को सबसे पहले छील लिया है हमने और छील के इसकी कटिंग कर लेते हैं। कढ़ाई को गरम कर लेते हैं और इसमें हम एक बड़ा स्पून ऑयल डालते हैं। ऑयल जब गरम हो जाएगा तो इसमें साबुत लाल मिर्च डालते हैं। अब जो कटे हुए आम हैं, कैरी, उसे भी इसके अंदर मिक्स करते हैं। इसमें मसाले मिला लेते हैं। नमक डालते हैं एक चम्मच, लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच, हल्दी, धनिया पाउडर और मिक्स कर लें। अब इसमें सौंफ मिला देते हैं एक चम्मच। मिक्स कर लेते हैं मसाले को और इसे 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, खोल कर देखते हैं, आम अच्छी तरह से पक गया है। अब इसे हम दूसरे बाउल में निकाल लेते हैं। सेम कढ़ाई में हमने पानी लिया है, 1 कप पानी डालते हैं कढ़ाई में और इसमें गुड़ डालते हैं और गुड़ को तब तक मिलाते हैं जब तक ये घुल ना जाए। अब इसमें हम मसाला मिलाते हैं। सबसे पहले गरम मसाला डाला, जीरा पाउडर और काला नमक, और जो आम पक गए थे उसे हम इसमें मिक्स कर देते हैं। गुड़ की ग्रेवी में अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें और इसे पूरी तरह से बॉयल होने तक पकाते हैं। अब इसे ढककर हम रख देते हैं। 5 मिनट के बाद देखेंगे हम, अच्छी तरह से ये पक गया है बिल्कुल। अब आपको मैं दिखाती हूँ, गल गया है ये बिल्कुल, अच्छी तरह से हो गया है। आप इसको पराठे के साथ, पूड़ी के साथ खा सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वारीज है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे से पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। टिल देन, गुड बाय एंड हैव ए हैप्पी कुकिंग।